हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल जायका में। आज हम बच्चे बड़ों सबका फेवरेट आलू का भुजिया बनाएंगे बिना किसी मसालों के, सिर्फ हल्दी और नमक के साथ, और यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 5 बड़े साइज के आलू को धोकर ले लिया है, बड़े साइज का आलू लिया है। इन्हें काटने में थोड़ा आसानी होती है, तो इसे काट लेते हैं। इस तरह से लंबे स्लाइसेस में पहले कट कर लेंगे इसे। काट कर इसे पानी में डालते जाएंगे ताकि यह काला ना पड़े। सभी आलूओं को हमने काट कर तैयार कर लिया। इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्लाइसेस में हमने कट किया है। इसे धो लेते हैं 2-3 पानी से। कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। इसमें तेल कुछ ज़्यादा लगता है। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच राई। राई हमारा अच्छे से तड़क गया है। अब इसमें 4 लाल मिर्च डाल देंगे इस तरह से तोड़कर। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च से इसमें बहुत ही सौंधी सी खुशबू और स्वाद आएगा। इसी समय हम अपने आलू को डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, आलू हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। चेक कर लेते हैं इसे तोड़कर। 75% तक ये पक चुका है। इसी समय इसमें डाल लेते हैं 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। मिलाकर इसे 1 मिनट भून लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि सारे आलू हमारे अच्छे से पक जाएं। आलू हमारा अच्छे से पक चुका है। देखिए, चेक कर लेते हैं इसे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। नमक को सबसे लास्ट में ही डालेंगे, वरना हमारा आलू जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। नमक को डालने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट और भून लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी आलू का भुजिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।